दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर जैसा कि वीडियो देख सकते हैं स्लो मोशन और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह का प्रोफेशनल स्लो मोशन और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 2 से 3 वीडियो शूट करना है आउटडोर, जो कि बैकग्राउंड में आपको पेड़ खोदा ज्यादा होना चाहिए कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे 2 वीडियो शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड का वीडियो को अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो बैकग्राउंड को 15 से 18 सेकेंड के आसपास कर देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.4 पे हमारा ग्रीन स्क्रीन खत्म हो रहा है। इसके बाद हम ओरिजिनल वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। फिर से हमें वीडियो क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और क्रोमा की को सिर्फ आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। फिर से वीडियो आगे तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर का फिर से हमें स्टार्ट हो चुका है। तो जो आपका वीडियो है उस वीडियो पर प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ इस लेयर के सामने आपको लेकर आ जाना है। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। तो अब आपको वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, आप अपने वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आ जाएंगे, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको फुल साइज कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से लास्ट तक आ जाना है। इसके बाद वाइट कलर के लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पे फिल्टर कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से हमें आगे की तरफ लेकर आना है। अब देख सकते हैं हमारा वीडियो सेकेंड वाले वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं बीच में हमारा कुछ ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो फिर से हमें 4.8 के पास आएंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से लेकर आ जाना है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से फुल साइज कर देना है। आउट एनिमेशन में आना है, यहाँ पे फिल्टर दे देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करेंगे और इसे आपके कुछ इस तरह से लास्ट कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उसी के वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।